नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। आजकल ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड इस तरह से घिरा है कि पूछना नहीं, और इस नशे के खेल में एक से बढ़कर एक बड़े नाम सामने आ रहे हैं। अभी तक इस फेहरिस्त में जो बड़ा नाम सामने आया है वो है नम्रता शिरोडकर, दीपिका पादुकोण और दिया मिर्जा का। इसके साथ ही साथ कहा जा रहा है कि और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि एनसीबी के जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स आता कहां से? आज हम इस स्टोरी में इसी चीज की पड़ताल करेंगे। ड्रग्स कनेक्शन मामले में रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज हो चुकी। एनसीबी को इसमें गोल्डन ट्रायंगल की भनक लगी। गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के बीच स्थित एक जगह है, जिसे साउथ एशिया में ड्रग्स सप्लाई का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। ये वो इलाका है जहां थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सीमाएं रुआक और मेकांग नदी के संगम पर मिलती। दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी CIA ने इसे भौगोलिक स्थिति के आधार पर गोल्डन ट्रायंगल नाम दिया है। ये एरिया लगभग 9,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। यहाँ अवैध ड्रग्स का बड़ा कारोबार है। भारत के साथ मुश्किल ये है कि वो न केवल गोल्डन ट्रायंगल के पास पड़ता है, बल्कि गोल्डन क्रिसेंट के पास भी। यहाँ पर एक जानकारी देते चलें कि गोल्डन क्रिसेंट यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये सारे ही देश ड्रग्स की तस्करी के लिए जाने जाते हैं और भारत इनके बीच फंसा हुआ है। भांग, गांजा से लेकर कोकेन जैसे मादक द्रव्य भी यहां से सप्लाई होते हैं, और समुद्र या फिर सड़क के रास्ते चुपके से देश की सीमा के भीतर आ जाते हैं। वैसे गोल्डन ट्रायंगल से पहले चीन में भांग गांजा का कारोबार लंबा चौड़ा था। ये 1820 के आसपास की बात है। तब चीन को ब्रिटिश व्यापारी चाय के बदले अफीम सप्लाई करते थे। चीन में अफीम का इस्तेमाल दवाएं बनाने और खाने के लिए होता था, हालांकि अफीम वहां अवैध थी। तब भी मांग को देखते हुए चुपके चुपके वहां ब्रिटेन अफीम पहुंचाने लगा। यहां तक कि वहां के लोगों को इस नशे की लत पड़ गई। चीन से हटने के बाद नशे का कारोबार उन तीन देशों की सीमाओं में फलने फूलने लगा, जिसे हम गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। भारत इन देशों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहां पर आसानी से सारे ड्रग्स मिलते हैं। खुद यूनाइटेड नेशंस ने साल 2018 की एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत अवैध ड्रग तस्करी का केंद्र बन चुका है। गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट से होते हुए यहां नशे की तस्करी हो रही। ये नशा खासतौर पर उत्तर पूर्वी इलाके नशे की सप्लाई के लिए आसान टारगेट। भारत के अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड की सीमाएं म्यांमार से जुड़ी हुई। इसी सीमा से म्यांमार अफीम, हेरोइन और MDMA जैसे घातक ड्रग्स की अवैध सप्लाई करता है, जो यहां से होते हुए देश के महानगरों तक पहुंच रहा है। इसी तरह से भारत में भी जो ड्रग्स हैं उनकी तस्करी दूसरे देशों को इसी रूट के जरिए होती। इस ड्रग सप्लाई रूट को विस्तार से देखें तो पाएंगे कि म्यांमार के भामो, लेसियो और मंडाली से होते हुए नशा भारत के मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड आता है। ये रास्ते आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाते हैं, जहां से वे दूसरे इलाकों तक पहुंच जाते हैं। कुल मिलाकर ड्रग तस्करों के लिए भारत का नॉर्थ ईस्ट स्वर्ग बना हुआ। यहां तक कि असम का गुवाहाटी भी तस्करों की चपेट में आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि ड्रग्स का मामला कितना घातक और खतरनाक है।